मजा आएगा ना भिड़ो से, से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सही जिसे कौन बहुत गुड हो गया जी सो हे व्हाट्सएप गाइस कैसे आप लोग उम्मीद करते आप लोग बढ़िया होंगे तो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग तो कैसे अगर अभी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहना आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरह से क्या करना है और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो कैसे आपको सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है कि आपको जो अपने इमेजेस को क्रॉप कर लेना है ठीक है तो आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से इस रेशियो को सिलेक्ट करना है ठीक है नाइन रेशियो सिक्सटीन पे और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपका जो भी फोल्डर रहेगा आप उसको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना ठीक है तो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको सिंपली अपने इमेज पर क्लिक करना है जो भी इमेज को आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लेना तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया थ्री डॉट पर क्लिक करना है फिल कम्पोजिशन एरिया करना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ से शेयर सेयवल आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम इस पी एन जी पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है गाइज यहाँ से जो है इस इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना ठीक है इस तरह से तो इस तरह सेव होने के बाद आपको फिर, फिर से बैक आना है फिर इस इमेज को यहाँ से डिलीट करना है प्लस पे क्लिक करना है फिर, 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 फिर आपको जो है यहाँ से अपने इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है फिर, फिर यहाँ से इस पर क्लिक करके करंट फ्रेम एस पी पे एक्सपोर्ट कर लेना है तो गाइज इस तरह से आपको टोटल जो है सात इमेजेस को क्रॉप कर लेना है और यहाँ से आपको आके सेव कर लेना है ठीक है तो इस तरह से आप पहले सात इमेजेस को अपने फोटोज़ को क्रॉप कर लेना ठीक है करने के बाद आपको फिर से बैक आना है बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दो प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना है एक है सेक इफेक्ट और एक है बीट मार्क प्रोजेक्ट ठीक है तब दोनों ही प्रोजेक्ट को इजीली डाउनलोड कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इजिली करने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको जो है अपना बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है ठीक है आप इसको जैसे ही ओपन करोगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ नीचे इस तरह का आपको लेयर्स बहुत सारे दिख जाएगा ठीक है तो इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है स्टार्टिंग में आना ठीक है स्टार्टिंग में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये यह दिख रहा होगा ये लेयर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है कि आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपको ऊपर में क्लिक करके आपको यहाँ से एलाइट मोशन सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तो आपका जो भी क्रॉपेड इमेज रहेगा वो एलाइट मोशन में सिंपली यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से मैंने पहले से क्रॉप कर लिया सब इमेज को तो आप भी क्रॉप कर लेना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर तो हम यहाँ पर कोई भी एक इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है तो जैसे कि वैज़ मैंने यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया तो देख सकते हैं हमारा इमेज जो है वो ऐड हो गया इस लेयर के अंदर कुछ इस तरह से ठीक है तो ऐड होने के बाद आप अब आपको क्या करना होगा इस आपको सिंपली ऊपर आ जाना है और यहाँ से क्या करना है गाइज आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है ठीक है और यहाँ से जो भी आपका क्रॉपेड इमेज रहेगा आप उसको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना ठीक है तो यहाँ से मैं अपना क्रॉपेड इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो जो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया एक इमेज को यहाँ पर तो अब इसको क्या करना होगा कि आपको देख लेना है जहाँ से आपका बीट स्टार्ट होता है ठीक है तो गाइज़ देख सकते हो हमारा जो यहाँ से फर्स्ट बीट यहाँ से स्टार्ट होता है आठ सेकेंड से ठीक है तो आपको यहाँ पर आना है आठ सेकेंड पर और इस इमेज पर एक बार क्लिक कर देना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस इमेज को यहाँ तक ले आना है ठीक है करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि इस इमेज के जस्ट साइड में आपको लॉन्ग प्रेस करना है और इस इमेज को बिल्कुल एंड में ले आना है ठीक है बिल्कुल नीचे तो गाइस देख सकते कुछ इस तरह से हमारा आ चुका है तो आपको थोड़ा सा जो है इसको ऊपर रख लेना है ठीक है इसको यहाँ यहाँ रख लेना है इसके नीचे रख लेना ठीक है इस इमेज के जस्ट नीचे वाले लेयर में रख लेना आपको इस तरह से इस इमेज को रख लेना ठीक है तो अभी जो इस इमेज को ऐसे ही छोड़ दो उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा ठीक है तो अभी क्या करना है कि आपको यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर देख सकते हो कि पांच पाँच इमेज दिख रहा है जैसे कि आपको ये पाँच लेयर दिख रहा है यहाँ पर ऑरेंज कलर में ठीक है तो यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको जो पांच इमेज बच गया है आपको सिंपली इस लेयर में ऐड कर देना जहाँ जहाँ ऑरेंज लेयर दिख रहा है आपको बाकी के पांच लेयर को यहाँ ऐड कर देना जैसे कि दो लेयर हमने दो इमेज को यहाँ पर ऐड कर लिया हमने और यहाँ पर जो पांच इमेज बच गया है उसको यहाँ पर ऐड करनी है ठीक है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है कलर एंड फील पर जाना है इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपका इमेज रहेगा आप उसको सिंपली यहाँ पर ऐड करना है ठीक है तो आप प्लस पर क्लिक कर देना उसके बाद जो इमेज है यहाँ पर ऐड हो जाएगा फिर वैसे ही अगले लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है लाइट मोशन को ऊपर से सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको यहाँ पर लाइट मोशन शो हो जाए इमेज पर क्लिक करने के बाद प्लस पर क्लिक करना है और आपका ये यह इमेज यहाँ पर फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा जैसे कि मैं देख पा कर ऐड हो गया फिर अगले लेयर पर क्लिक करना है फिर इमेज पर क्लिक करके यहाँ से अपने दूसरे इमेज को यहाँ पर ऐड करना है ठीक है यहाँ पर इस तरह से ऐड कर दिया हमने उसका फिर यहाँ पर फिर हमारा जो है दूसरा इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर अपना जो है दूसरे इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेंगे उसके बाद यहाँ फिर एक ऑरेंज लेयर आ जाता है फिर यहाँ पर भी हम इसी तरह से पाँचवें इमेज को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे ठीक है तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने टोटल पाँचों के पाँच इमेज को यहाँ पर ऐड कर दिया ठीक है ऑरेंज लेयर में तो भाई अब अब ध्यान से देखना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ ठीक है किस तरह से अब आगे इमेज को ऐड करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पिंक लेयर दिख रहा होगा तीन आपको यहाँ पर ये और फिर सेकेंड और थर्ड तो यहाँ पर क्या करना है जो आपने यहाँ पर फर्स्ट इमेज ऐड किया ना जो यहाँ पर ये वाला जो आपने फर्स्ट इमेज ऐड किया है इसी को जो है अब आपको इस तीन लेयर में ऐड कर लेना है ठीक है तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से उसी इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो आपने फर्स्ट में ऐड किया हुआ है उसी को तीनों लेयर में यहाँ पर ऐड कर देना है ठीक है तो सिंपली आप इस तरह से जो है तीन लेयर में इस इमेज को ऐड कर लेना ठीक है जैसे कि आपने फर्स्ट में जो इमेज को ऐड किया होगा उसको ही यहाँ पर आके तीनों लेयर में ऐड करना है उसके बाद आपको फिर से आगे आना है ठीक है और यहाँ पर देख सकते फिर तीन पिंक लेयर आ जाता है तो अब आपको यहाँ पर देख लेना आपने सेकंड इमेज कौन सा ऐड किया है यहाँ पर तो देख सकते ये ऐड किया हमने ये वाला इमेज तो अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो पिंक लेयर दिख रहा है आपको सिंपली अब उस सेकेंड वाले इमेज को यहाँ पर ऐड करना है ठीक है तो गाइज काफ़ी ज्यादा सिंपल है आप इस तरह से आपको जितना भी अब आगे लेयर है थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी इमेज आपने ऐड किया होगा उसी तरह से आपको इस लेयर में भी ऐड करना है ठीक है ऐड कर दिया है ठीक है उसके बाद उसी तरह से गाइज आपको आगे भी इसी तरह से आपको देख लेना है कौन सा आपने ऐड किया ठीक है तो तो फाइनली क्या देख सकते हो हमारा पूरा एंड तक इमेज इसको हमने ऐड कर लिया है तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है ठीक है जो भी आप यहाँ पर इमेज ऐड किए रहोगे ये पाँचों लेयर में उसी तरह से आपको पाँचों जो आगे पिंक लेयर दिखेंगे तीन तीन उसमें आप इस तरह से ऐड कर लेना ठीक है तो ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना होगा इस आपको सिंपली बैक आना है ठीक है इस तरह से करने के बाद आपको सिंपली अब बैक आना है और यहाँ से चल जाना सेक इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट पे ठीक है और यहाँ से आपका जो ये इमेज रहेगा इस पर क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है करने के बाद आपको बैक आना है फिर से आपको बी टीमार प्रोजेक्ट पे चल जाना है और यहाँ से आपको फिर से बैक यहाँ नीचे आ जाना है सबसे ठीक है और ये जो आपका इमेज आपने एक छोड़ा था यहाँ पर पीछे में ये जो इमेज दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा तो भाई अब आपको फिर से आना है बैक और फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपने सेक इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट पे और यहाँ से इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से चार लेयर को कॉपी करना है ठीक है कॉपी फोर लेयर्स पे क्लिक करके आपको फिर से बैक आना है और यहाँ से फिर से टी मार प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ से फिर प्लस पे क्लिक करके पेस्ट फुल लेयर पे क्लिक कर देना है उसके बाद तो आपको क्या करना है पूरा एंड तक आ जाना है ठीक है एंड तक आने के बाद आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और चारों लेयर को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एंटर तक ले आना है तो बस इतना करने के बाद जो आपका पूरा एडिटिंग जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको सिंपली जाना शेयर वाला है ऑप्शन पे और यहाँ से वीडियो का क्वालिटी सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना तो आपका वीडियो जो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर तब तक के लिए बाय बाय